मास्टर कैंटीन के पास विनीत्स नाम का एक रेस्टोरेंट है, तो यहाँ पर मॉर्निंग ब्रेकफास्ट करने आया, एक दोस्त से मिलने जा रहा हूँ, तो वो है ना अंदर रेलवे स्टेशन में खा रहा है, तो मैं सोचा ठीक है हम लोग भी अंदर खा के जाके मिलते हैं। तो बस खाने आए हैं विनीत का, एंड दिस इज लाइक साउथ इंडियन टाइप रेस्टोरेंट, एंड यहाँ पर ये इडली, दिस इज सांभर वड़ा, मसाला ऑनियन डोसा एंड स्पेशल दही वड़ा, मतलब वो ऑफ कोर्स दैट इज नॉट ओडिशा स्टाइल दही वड़ा, ओडिशा स्टाइल दही वड़ा इज समथिंग डिफरेंट विच इज़ ऑसम, सिंपली ऑसम। ये नॉर्थ इंडियन स्टाइल दही वड़ा है, तो विल एक्सप्लोर सम गुड फूड टुडे। कैसा है मार्की? बढ़िया। ये है मार्कंडे सिंह, इसको मैं मार्की बुलाता हूँ, और लोग इसको मार्की बुलाए या मार्कंडे बुलाए इसको कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये है इमोशनलेस, बस अच्छा बुलाए। हाँ, जो भी बुलाए अच्छा बुलाए, गाली ना दे। क्या है ना, ट्रेन था अभी विवेक एक्सप्रेस, ट्रेन तो ऑलरेडी लेट था, भाई अभी बोलता है कि नहीं यार जाने का मन नहीं कर रहा, तो मैं जा रहा हूँ रूम। देखो ऐसे भी होने चाहिए बंदे। फॉर्च्यून सेलेक्ट ग्रैंड रीच नाम का एक 5-स्टार होटल तिरुपति में जो है, इंटर्नशिप लग गया है। ट्रेन तो मतलब मेरा पेशेंस देखो, 3.5 घंटा लेट वाले ट्रेन में भी मैं आया हूँ, लेकिन भाई ना आज का ब्लॉग दो, नहीं 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 वो पहले हो चुका, लेकिन ये 2 घंटा लेट था इसलिए छोड़ दिया। वैसे तो ये अपना गाड़ी है ना एकदम अच्छे से मेंटेन करके रखता है, लेकिन मैं अभी एक बार चलाया तो चेन लूप नहीं किया था, इतना अच्छा गाड़ी को अभी पकड़े हैं हम, तो अभी हम कर रहे हैं चेन लूप। नहीं तो इंट्रो तो देना पड़ता है ना, ये चेन लूप तो क्यों कर रहा है, चेन लूप क्यों कर रहा है ये तो बताना पड़ेगा आपको। ये क्या है और ये क्या है? ये के चेन क्लीनर है, एक तो चेन लूप है। अच्छा, पहले क्लीनर लगाता है फिर उसके बाद लूप मारता है? नहीं एक्चुअली मैं यहाँ बहुत ही सस्ता क्या है बाकी कंपनी से, दोनों को मिला के 250 रुपीज का आता है, दोनों मिला के 250, दोनों मिला के 250 रुपीज का है। फायदा क्या है इसमें चेन क्लीनर का, ये सपोज चेन में जितने भी डर्ट है, ऑयली चीज है, की कोरोजन है, वो सबको प्रिवेंट करता है, उसके साथ वो प्रिंटेड करके इनको तोड़ देता है। सही है, ज्यादा भी कुछ टाइम लगता नहीं है, बस अप्लाई कर दो चेन। हाँ, मतलब लगा देगा तो मतलब चेन स्प्रॉकेट का भी ड्यूरेबिलिटी बढ़ जाता है ना। भाई ये तो देखने में काफी गजब लग रहा है, ये है पनीर पकोड़ा। तू खाया है पहले यहाँ पर? बहुत बार खाया हूँ। कैसा? जेन्युइन रेट है, बहुत अच्छा, मस्त खाना, मस्त है, पर घरेलू खाना टाइप का लगता है, बस टेस्ट करके देख, ठीक है ना, पनीर पकोड़ा एक बार खा के देख, खुश हो जाए। डेकोरेट जो किया है ना, आए हाय हाय हाय, मेरे को तो ये देख के ही एकदम मज़ा आ गया। कितना ज़्यादा सॉफ्ट है भाई, बहुत सॉफ्ट है, ऊपर का बैटर और ये अंदर का पनीर है, ये दोनों बहुत सॉफ्ट है। मैं आज तक कभी भी ऐसा पनीर पकोड़ा नहीं खाया था, मैं बहुत जगह खाना खाया हूँ, बहुत जगह पनीर पकोड़ा वगैरह मैं खाया हूँ, लेकिन ऐसा तो नो, फर्स्ट टाइम इट इज़। बटर चिकन, दाल मखनी, जीरा राइस, मेरे को तो पनीर पकौड़ा सा खाने के बाद, लेट्स सी। भर पेट खाना खाए, बटर चिकन मसाला क्या मस्त बनाए थे यार, टू ऑसम। मेरे को उसका वो ग्रेवी गजब, हाँ चिकन पीसेस और थोड़ा सॉफ्ट हो सकता था, लेकिन ग्रेवी इज़ लाइक टू ऑसम, और वो दाल मखनी में वो स्मोकी फ्लेवर जो होता है वो भी एकदम मस्त था, तो मेरे को तो भाई बहुत अच्छा लगा। SJ रेस्टोरेंट भुवनेश्वर में, कैनल रोड में, यहाँ पर आप कुछ खाएं या ना खाएं, आप यहाँ पर पनीर पकौड़ा बिल्कुल ट्राई कीजिएगा, मेरे को बहुत ऑसम लगा। तो चलिए अभी घर चलते हैं फिलहाल के लिए, फिर शाम को दोबारा निकलेंगे बाहर कहीं पर घूमने। वेलकम टू द एस्प्लेनेड मॉल, जो है उड़ीसा का सबसे बड़ा मॉल। इसका एंट्रेंस काफ़ी खूबसूरत है, वो देखिए लाइट्स, एंड सामने एक लॉन जैसा एंट्री है विच इज़ लाइक क्वाइट गुड। ये रास्ता में डिस्को लाइट्स मस्त लग रहा है।
ऐसा लग रहा है कि यहीं नाचना चालू कर दे हम। मानस नाच ले। ज़्यादा लाइटिंग कर रहे। वाओ, दिस इज जस्ट अमेजिंग। मस्त लग रहा है ये। हम लोग हैं इस एस्प्लेनेड मॉल के टॉप फ्लोर में है, फूड कोर्ट के वहाँ पर, जहाँ पर बॉलिंग भी है। तो चेस में आज हुआ कुछ ऐसे, चेस में आज मैं एक गेम, पहला गेम मानस जीता, दूसरा गेम मैं जीता। तो वो वाला मैं जो जीता वो ओवरकम नहीं कर पा रहा है वो वाला। तो अभी वो है ना बोलता है चल बॉलिंग खेलेंगे, तो बॉलिंग में देखते हैं कौन जीतेगा। अब हराएंगे मानस को, तो कभी होगा ही नहीं। लेकिन कोई और जगह चलते हैं। चलो